गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। कैसे हो सभी? बस मैम अच्छे हैं मैम। ओके, एंजॉय कर रहे हो बारिश? यस मैम। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम स्टडी भी साथ साथ। चैट बॉक्स में टेंडर सेंड कर दो, आज वहीं से ले लूंगी। ठीक है, चैट बॉक्स में भेज दो नेम विद रोल नंबर। ओके, तो हमने कल स्टार्ट किया था साइकोलॉजिकल लेवल, उसमें हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन समझ ली थी, ये हमने कर लिया था। देन सोर्सेज भी कर लिए थे स्ट्रेस के, क्या क्या सोर्सेज हैं, सर्वाइवल है, इंटरनल है, एनवायरमेंटल है या फटीग है। देन हम डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स कर रहे थे अपने स्ट्रेस की। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने फोर टाइप्स कर रही हैं, जो इनकी सुपर टाइप्स है जो यहाँ पे आपके बुक में गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप हमारी थी यू स्ट्रेस। नोटबुक्स ले लो साथ साथ में, अब मैं नोट भी करवाऊंगी आज, कल हमने समझ लिया था। फर्स्ट है यू स्ट्रेस, इसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोल देते हैं। इसी के साथ लिखते ना, और पॉजिटिव स्ट्रेस फर्स्ट टाइप है इसकी। इसके अंदर लिखो, इट इज ए हेल्दी कॉमा पॉजिटिव, हेल्दी कॉमा पॉजिटिव एंड डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल स्ट्रेस, इट इज ए हेल्दी पॉजिटिव एंड डेवलपमेंटल स्ट्रेस। इट इज ए गुड स्ट्रेस, इट इज ए गुड स्ट्रेस विच हेल्प्स अस, इट इज ए गुड स्ट्रेस विच हेल्प्स अस टू इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। मैम एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर। ओके, फर्स्ट लाइन मैंने बताई, यू स्ट्रेस इज द हेल्दी पॉजिटिव एंड डेवलपमेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट लाइन है, इट इज ए गुड स्ट्रेस विच हेल्प्स अस टू इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। It is a good stress which helps us to improve our performance. Spelling mistake मत करना, GSET में spelling mistakes point out होती हैं, ठीक है? ध्यान से लिखना सारा कुछ। Next लिखो, it provides inspiration ke spelling likhe hue maine, it provides inspiration to the person when some extra energy is needed by him
इट प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन टू द पर्सन व्हेन सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड बाय हिम. लास्ट लाइन. A certain amount of positive stress. A certain amount of positive stress keeps us energetic. स्पेलिंग सामने लिखे हुए हैं. Keeps us energetic to meet MWET वाला meet all the challenges. And is necessary for our survival and progress in life. लिख लिया. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं, अटेंडेंस चैट बॉक्स में से ही लेनी है. और हम स्ट्रेस की टाइप्स पढ़ रहे हैं. पॉजिटिव स्ट्रेस ईओ स्ट्रेस जिसे बोलते हैं उसके बारे में हम लिख रहे हैं. किसी का रह गया तो बता दो, अदरवाइज हम समझ लें कि क्या लिखा हमने. लिख लिया सभी ने? यस मैम. ओके. अब इसके बारे में आपने क्या क्या लिखा. फर्स्ट लाइन में आपने लिखा है बेसिकली एक और चीज. क्लास जब आप जीएसटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ट्राई करो कि आप पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखो. जितने भी आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे आंसर्स आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो. इस चीज को ट्राई करो, ठीक है. कम से कम पैराग्राफ और मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं. चाहे आपने डेफिनेशन भी लिखनी है तो भी पॉइंट्स के फॉर्म में, स्टार स्टार डाल के या एबीसी पॉइंट्स डाल के या डॉट डॉट वाले पॉइंट्स होते हैं वो लगा के, जैसे भी करना चाहो वो आपकी मर्जी है. बट द थिंग इज पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो, उसे पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखना. उसकी वजह से कई बार मार्क्स कम मिलते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है. तो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि जो ईओ स्ट्रेस होता है ये हेल्दी स्ट्रेस है. हेल्दी क्यों है? क्योंकि ये हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है. क्यों? हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है उसके लिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना कंपलसरी है. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो वाला स्ट्रेस जिसका रिजल्ट हमेशा हमारे बेनिफिशियल हो, वो स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है. एंड दैट इज यू स्ट्रेस. दैट्स व्हाई इन्होंने बोला कि हेल्दी पॉजिटिव एंड डेवलपमेंटल है, जो हमारी डेवलपमेंट करता है वो वाला स्ट्रेस है. देन इट इज गुड स्ट्रेस विच हेल्प्स अस टू इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस. तो हमें अपनी अगर परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा. हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ठीक है. तो वो भी एक टाइप का स्ट्रेस ही है. बट द थिंग इज वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है. मीन्स एंड में रिजल्ट अच्छा आएगा उसका, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उसका रिजल्ट. डेट्स वाई वो इस स्ट्रेस को हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोल देते हैं. देन आपने लिखा कि इट इज इंस्पिरेशन टू द पर्सन व्हेन सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड. बेसिकली जब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो उस टाइम पे भी आप पॉजिटिव स्ट्रेस को यूज करते हो. एंड जो ये स्ट्रेस होता है ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रबल्स के साथ फाइट आउट कर सकें, डिफरेंट ट्रबल्स को फेस कर सकें एंड अपने सॉल्यूशंस निकाल सकें. एंड ऑल्सो ये हमें चैलेंजेस को मीट करने के लिए, बेसिकली चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी एनर्जी देता है एंड हमारे सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है. इसकी अगर इजीएस्ट एग्जांपल देखनी है
तो आप ये बोल सकते हो कि अगर एक स्टूडेंट को इस बात का स्ट्रेस ही नहीं होगा कि उसने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है, देन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रेस हर स्टूडेंट को लेना चाहिए अपने एग्जामिनेशन का, तो डेट इज यू स्ट्रेस. डन. डाउट है किसी को या समझ ही नहीं आया किसी को? गुड मॉर्निंग क्लास. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अगर सुन रहे हो तो नहीं समझ आया बता दो, मैं दोबारा समझा देती हूँ. क्या कोई और स्टूडेंट अब फिर से चुने कि फर्स्ट में किसने रिप्लाई करना, उसके बाद सभी बोल लेंगे? मैम कर दो एक बार रिपीट. ओके. यू स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं. ये वो वाला स्ट्रेस होता है जो हमें हमारी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए होता है. मतलब हमने फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आपने इस बार टॉप करना है जी क्लास में, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप जितना आपके माइंड में ये होगा कि आपने टॉप करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या हार्डवर्क करना पड़ेगा, आप उसकी सारी प्लानिंग करोगे, तो उसकी थोड़ी बहुत टेंशन जरूर होगी आप. तो वो वाली जो टेंशन होगी डेट विल बी यू स्ट्रेस. ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में ये हमारे लिए अच्छा है. ठीक है, चाहे जैसा भी है, इस टाइम पे हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें फाइट आउट करना पड़ रहा है अपने ट्रबल्स के साथ, बट द थिंग इज एंड में रिजल्ट इसका पॉजिटिव ही आएगा. एंड में रिजल्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा एंड हमारी डिवेलपमेंट के लिए ये इन डिवेलपमेंट के लिए अच्छा होगा. दैट्स व्हाई इसे डिवेलपमेंटल स्ट्रेस भी बोल देते हैं. एंड पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इसमें. इस स्ट्रेस को लेने के बाद जो भी आप काम करोगे वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे. दैट्स व्हाई इसे पॉजिटिव स्ट्रेस बोल देते हैं. नेक्स्ट थिंग, ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है. क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर आपने किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना है तो उस केस में आपको उस फील्ड में जो भी काम करना है उसे बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, तभी आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. तो उस टाइम पे आप जो भी प्रिकॉशंस लोगे, जो भी एक्शंस परफॉर्म करोगे, वो सारे एक्शंस यू स्ट्रेस को लेके करोगे. मतलब पूरे ध्यान से जो काम करोगे वो स्ट्रेस की फॉर्म में ही आएगा. देन आपने लिखा कि ये हमारे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन की तरह वर्क करता है. इंस्पिरेशन की तरह वर्क करता है मतलब ये हमें हर फील्ड में इंस्पिरेशन देता है कि आपने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, हमने हर चैलेंज को फेस करना है. एंड हर चैलेंज को फेस करने के बाद हमें उस चैलेंज को सॉल्व करके वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आना है. ठीक है, एंड हम अपनी डेवलपमेंट फॉर्म करनी है, तो उस केस में ये हमारे लिए इंस्पिरेशन की तरह वर्क करता है. एंड हमें एनर्जेटिक रखता है कि हम सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी हमें ये वाला स्ट्रेस देता है. एंड हमारी प्रोग्रेस के लिए भी यही स्ट्रेस बेनिफिशियल है. इसमें मैंने आपको एग्जामिनेशन की एग्जाम्पल दिया, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो. अगर लिखना चाहो तो एग्जामिनेशन वाली एग्जाम्पल आप एक लाइन में लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको बाद में समझने के लिए बेनिफिशियल रहे कि ये कौन सा स्ट्रेस था. ठीक है, स्ट्रेस की एक यही फॉर्म है जो अच्छी है लेने वाली, बाकी सारी फॉर्म जो है वो स्ट्रेस, वो वाले स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए. बस एक यही यू स्ट्रेस है जो लेना अगर लोगे तो अच्छा है, नहीं लोगे तो फिर नॉर्मल ही है लाइफ, फिर कोई आपकी डेवलपमेंट नहीं है, कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, कोई काम आपके लिए अच्छा नहीं परफॉर्म होएगा, मतलब आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी बेसिकली, अभी बोल सकते हैं. ठीक है, हाँ जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, लिखो distress. Distress. इसे negative stress बोलते हैं, लिख लेना साथ में. और negative stress. Distress और negative stress. इसके बारे में लिखो, इट इज अनहेल्दी, नॉट गुड फॉर हेल्थ बेसिकली. इट इज अनहेल्दी
एंड ए नॉट हेल्पफुल स्ट्रेस. अनहेल्दी एंड ए नॉट हेल्पफुल स्ट्रेस. In this type of stress, comma, errors will increase, comma, bad decisions will be made, errors will increase, bad decisions will be made, and individual will experience illness. Individual will experience illness. Next, the mind does not feel. The mind does not feel comfortable. The mind will not feel comfortable with this type of stress. With this type of stress. इसी के साथ एग्जाम्पल्स लिख लो स्ट्रेस की. एग्जाम्पल्स ऑफ डाइस्ट्रेस आर फर्स्ट डेथ ऑफ लव्ड वंस. नेक्स्ट financial problems. Next, chronic illness. इसी के साथ लिखो नेक्स्ट. मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसका. एग्जांपल्स खत्म है. नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट है एक्यूट स्ट्रेस. ACUTE एक्यूट स्ट्रेस. सेकंड है क्रोनिक स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस. इतना लिख लिया. यस मैम. ओके.
पहले जितना लिखा है वो समझ लो, फिर एक्यूट को समझते हैं। डाई स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस है हमारा, ठीक है। नेगेटिव मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो अनहेल्दी है, ठीक है। ये हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करेगा, एफिशिएंसी को भी डिक्रीज करेगा। अगर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी तो गलतियां हमसे ज़्यादा होंगी। दैट्स व्हाई लिखा है कि एरर्स विल इंक्रीज, हम गलत डिसीजंस लेंगे, बैड डिसीजंस विल बी मेड, एंड हमें काफ़ी टाइप की इलनेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रेस हमें एडवर्सली इफेक्ट करता है, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड वो सारी इसी की वजह से आती हैं, डाई स्ट्रेस की वजह से। देन ये हमारे, अगर हम इलनेस हम फेस करेंगे, गलतियाँ होंगी हमसे, तो हमारा माइंड भी कंफर्टेबल थोड़ी फील करेगा। तो आपने इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि माइंड डजंट फील कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। देन जो हमारा इसके एग्जांपल्स लिखी हैं उसमें आ गई डेथ ऑफ लव्ड वन, अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए या किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए तो आप उस टाइम पे जो सिचुएशन बन जाती है काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, और माइंड हमारा रिलैक्स नहीं होता, कहीं को नींद नहीं आती, कहीं काफ़ी दिन कहीं खाना नहीं खाते, तो वो भी एक नेगेटिव स्ट्रेस है। देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो अगर, तो आपको काफ़ी सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या करें कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो, तो आप सोचते रहते हो काफ़ी देर उस चीज़ के बारे में, उसकी वजह से आपके हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की बॉडीली इलनेस फेस होनी स्टार्ट हो जाती है, एज वेल एज मेंटल इलनेस तो होगी, तो वो भी हमारा नेगेटिव स्ट्रेस है। देन क्रोनिक इलनेस तो इसमें आ ही गया कि इलनेस बेसिकली बॉडी का खराब होना, बॉडी की सेहत खराब होना, तो वो आ जाएगा हमारी क्रोनिक इलनेस। देन अब हम लिख रहे थे इसकी, अब दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है एक्यूट एंड सेकंड है क्रोनिक। अब एक्यूट स्ट्रेस हेडिंग दो, एक्यूट स्ट्रेस हेडिंग दो, इसके अंदर लिखो एक्यूट स्ट्रेस होता क्या है। ये कैसा स्ट्रेस है जो थोड़ी देर के लिए आता है, होता है, काम खत्म होने तक रहता है, हम बिल्कुल हमारा दिमाग खराब करके रखता है जब तक खत्म नहीं होता वो वाला काम, एंड उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो आप फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जल्दी आएगा बहुत ज्यादा, पर एकदम से प्रेशर लाएगा, और जब काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाते हैं उससे, वो आएगा इसका इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें लिख लो, इट इज ए डीप स्ट्रेस, इट इज ए डीप स्ट्रेस, इट इज ए डीप स्ट्रेस दैट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स क्विकली। It is a deep stress that appears or disappears quickly. इसी के साथ next point लिख लो, it is an intense type of stress, intense, intense type of stress. That comes mostly with a change of routine. That comes mostly with a change of routine. बाकी आपकी बुक में सारा गिवन है इसके बारे में, जो मेन पॉइंट्स थे, जो नहीं थे गिवन वो मैंने लिखवा दिए, अब अच्छे से समझ लेते हैं क्या। बेसिकली एक ऐसा स्ट्रेस जो जल्दी आए जल्दी जाए, बट द थिंग इज जितनी देर हमारे पास रहेगा उतनी देर तक हमारे माइंड को नॉर्मली वर्क नहीं करने देगा, और उसकी वजह से होता क्या है, एंगर, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, ये जो सारे फैक्टर्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, हेडेक, पेन, स्टमक अपसेट्स, जो भी सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स इसी की वजह से होते हैं। जब क्विकली कोई स्ट्रेस आए थोड़ी देर के लिए रहे, और जितनी देर के लिए वो रह रहे वो सारे ही फैक्टर्स हमारे अंदर लेके आए, ठीक है, तो वो आएगा हमारा एक्यूट स्ट्रेस के अंदर। पर अगर इसकी एग्जांपल लेनी है तो लेट्स इमेजिन आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, आपको इमरजेंसी उस चीज़ की नीड है, ठीक है,
तो बट आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो आप एकदम से उस टाइम पे हाइपर हो जाते हो कि ये चीज मिल क्यों नहीं रही, मैंने तो यहीं पे रखी थी। आपको टेंशन भी हो जाती है, तो वो जो टाइप है उस टाइम पे आप जो स्ट्रेस लेते हो, दैट इज एक्यूट स्ट्रेस। आता है डेली रूटीन के काम में आता है बेसिकली। डेली रूटीन में कुछ चेंजेस हो, लाइक आप डेली वहीं से अपना काम उठा वो चीज उठा रहे थे, बट आज आपको वो चीज वहां पे मिली नहीं, तो आपकी डेली रूटीन भी चेंज होगी और आपको वो चीज भी नहीं मिल रही, उसकी वजह से आप काफी टेंशन में हो कि आपकी चीज गई कहाँ पे वो वाली। तो उस केस में आप एक्यूट स्ट्रेस से फेस कर रहे हो, एंड जैसे ही आपको वो चीज मिलेगी तो आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे, तो आप पे कोई उसका इफेक्ट जो भी थे वो सारे अंडू हो जाएंगे। डेट्स वाई ये इसमें आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक स्ट्रेस, उसके बारे में लिख लो। क्रोनिक स्ट्रेस स्पेलिंग थर्ड पॉइंट में गिवन है, देख के लिख लेना, गलत मत लिखना। इसमें लिखो, इट इज ए लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, इट इज ए लॉन्ग टाइम स्ट्रेस डेट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए वीक, डेट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए वीक कॉमा मंथ और इवन ईयर्स। इट अफेक्ट्स द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट अफेक्ट्स द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक्यूट जो था वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आता था, डेली रूटीन में चेंजेस होने की वजह से आता था, और जैसे ही हमारा स्ट्रेस वाला काम खत्म होता है और हम फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। बट जो क्रोनिक स्ट्रेस है ये उसका ऑपोजिट है, ये काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, होता क्या है कि कई बार हमसे कोई कोई ऐसा टास्क हो जाए जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ सफर करना पड़े, या आपको कुछ ऐसा आपने काम कर दिया जिसकी वजह से आपको वीकली उस पूरे 1 वीक 2 वीक्स या फिर मंथ्स तक, काफी काफी महीने आपको उस चीज का स्ट्रेस रहे, या काफी काफी ईयर्स आपको उसका स्ट्रेस रहे, वो आपके क्रोनिक स्ट्रेस में आएगा। अब इसमें क्या आ सकता है, मे बी कोई आपने टेस्ट क्रैक करना था, आप उस वो क्रैक नहीं कर पा रहे टेस्ट। ठीक है, आपने एक बार पेपर दिया नहीं हुआ, दूसरी बार दिया नहीं हुआ, उसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा मेरे से, मैं कर ही नहीं सकता ये। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके माइंड में जो प्रॉब्लम, जो आपकी माइंड की सिचुएशन होगी, वो आपकी बेसिकली क्रोनिक स्ट्रेस वाली होगी। क्यों? क्योंकि चाहे आप 1 वीक के बाद उस चीज के बारे में सोचो, तब भी आपके माइंड में ये होगा कि मैंने 3 4 बार ट्राई किया, वो टेस्ट मेरे से क्रैक नहीं होता। मंथ के बाद देखोगे तो भी आप यही बोलोगे कि नहीं हो रहा यार मेरे से क्रैक, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, बट निकलना आपको है उस स्ट्रेस में से, अगर आप अपने आप में पॉजिटिविटी लेके आओ कि नहीं चाहे ना हो, मैंने तो करके छोड़ना है इस बार, तो वो आ जाएगा आपका इसको हैंडल करने का मेथड। बट कई बार क्या होता है कि ऐसे टाइप के स्ट्रेस की वजह से आपको काफी लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, वो सारी इसमें आ जाएंगी। लाइक यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्टमक एक, हेड एक, एंड ये सारी जो भी है ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल्स भी बताई हैं कि कैसे कैसे चीज़ों की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। लाइक अनहैप्पी मैरिज, आप जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है वो आपको वो पसंद नहीं पसंद, ना ही आप दोनों के बीच में अच्छी बनती है, तो वो हो जाएगा। ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अनवांटेड जॉब में आप काम कर रहे हो, स्ट्रेस ऑफ पॉवर्टी में आप फेस कर रहे हो, या फिर इलनेस एंड रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंड उसके क्या क्या साइंस हैं वो यहाँ पे नीचे गिवन है इन्होंने। अगर आपको इनमें से कोई साइंस आपके आप फेस करते हो डेली लाइफ में, देन इट्स श्योर कि आप क्रोनिक स्ट्रेस में से ही सफर कर रहे हो। 1 2 पॉइंट्स नहीं, मिनिमम 4 पॉइंट्स आप डेली लाइफ में फेस कर रहे हो, देन यू आर हैविंग क्रोनिक स्ट्रेस, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लो, हाइपर स्ट्रेस, HYPER STRESS। इसमें लिखो, इट इज नेगेटिव स्ट्रेस। पिछले वाले स्ट्रेस में किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा।
डाइस्ट्रेस में किसी को कोई डाउट है? नहीं बोलोगे तो आई विल अज्यूम कि आपको डाउट है. नो मैम. बाकियों को नो मैम. नो मैम. नो मैम. ओके. हाइपर स्ट्रेस के बारे में लिखो. इट इज अ नेगेटिव स्ट्रेस दैट कम्स. ये भी एक नेगेटिव स्ट्रेस की टाइप है हाइपर स्ट्रेस. दैट कम्स व्हेन ए पर्सन इज फोर्स्ड when a person is forced to undertake more than he or she can take. इसी में नेक्स्ट पॉइंट. ए स्ट्रेसफुल जॉब दैट ओवरवर्क्स एन इंडिविजुअल. ए स्ट्रेसफुल जॉब दैट ओवरवर्क्स एन इंडिविजुअल विल कॉज दैट इंडिविजुअल टू फेस विल कॉज दैट इंडिविजुअल टू फेस हाइपर स्ट्रेस. बस इसके बारे में इतना लिखना. बेसिकली जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा काम करवाना तो उस टाइम पे आप जो भी चीज फेस करोगे डेट विल बी हाइपर स्ट्रेस. हाइपर होके काम करोगे उस टाइम पे, यार मैं इतना काम कैसे कर दूंगा, ये मेरा मैं कर ही नहीं सकता. तो उस टाइम पे आप जो भी स्ट्रेस फेस करोगे वो होगा हमारा हाइपर स्ट्रेस में. नेक्स्ट हाइपो स्ट्रेस. HYPO स्ट्रेस. हाइपो स्ट्रेस. इसमें लिखो इट इज डायरेक्ट ऑपोजिट टू हाइपर स्ट्रेस. इट इज डायरेक्ट ऑपोजिट टू हाइपर स्ट्रेस. This stress is created when a person feels boredom. सामने स्पेलिंग लिखते हैं देख लेना. When a person feels boredom और अनचेंजिंग जॉब सिचुएशन. अनचेंजिंग जॉब सिचुएशन. द इफेक्ट ऑफ हाइपो स्ट्रेस इज feeling of restlessness and lack of inspiration. जब आप एक ही काम करते थे थक जाते हो तो आप में इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है, रेस्टलेस फील करते हो, ठीक है, तो वो आपका हाइपो स्ट्रेस बन गया. आपको काफ़ी टाइम पीरियड के लिए एक ही काम करने को बोला जाए तो आप बोर हो जाओगे, तो उस टाइम पे आप जो आपके बोर्डम वाली फीलिंग है डेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रेस, इट इज नोन एज हाइपो स्ट्रेस. क्लियर? ये हमारे